क्या आप सेम तरह की सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं जो बहुत ही टेस्टी हो और बनाने में भी बहुत आसान हो? टेंशन नॉट, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं तोड़का के स्टफ वेजिटेबल की रेसिपी। खाने में बहुत टेस्टी, हेल्दी भी है और प्लस बनाने में काफी आसान। रेसिपीज बताने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अमेजिंग सी रेसिपी। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो तोड़का का इस्तेमाल किया है। पहले तोड़का का स्किन को पील कर देंगे और उसके बाद उसे इस तरीके से इक्वल भागों में हम डिवाइड कर लेंगे। एकदम छोटा पीसेस में नहीं कट करना है, ऐसे मीडियम पीसेस में कट करना है ताकि अच्छे से स्टफिंग इसमें भर सके। उसके बाद चाकू या स्पून का इस्तेमाल करके तोड़का का ऐसे बीज का जो पार्ट है वो हम निकाल देंगे, जो बीज होता है वो सारा निकाल देंगे। तोड़का का बीज निकालना बहुत ही आसान है, स्पून या चाकू से आराम से निकल जाएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। खाली ध्यान देना है कि तोड़का का ऊपर का कवर ना टूटे। हमारी यहाँ इस सब्जी को तोड़का या झिंगली कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए बड़ी आसानी से सारा जो बीज का बीज है वो निकल चुका है। इसी तरीके से तोड़का का सारा पीसेस का हम बीज का बीज निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम स्टफिंग का तैयारी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं मसाले में क्या क्या लगेगा। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून धनिया लिया है, सूखा धनिया, 10 से 12 काली मिरी, बिल्कुल थोड़ा सा जायपत्री, 2 कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, 1 मुट्ठी या लगभग 1/4 कप शेंगदाना लिया है, 1/2 टेबलस्पून जीरा, 3 से 4 लौंग और 1 इंच दालचीनी। सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अब हम गैस स्टोव पे कढ़ाई या पैन चढ़ा देंगे। उसमें सबसे पहले हम शेंगदाना डालेंगे, उसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और उसके बाद बाकी सूखा मसाला ऐड कर देंगे। बस 2 मिनट के लिए हमें इसे रोस्ट करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। इससे मसाला का कच्चापन भी निकल जाता है प्लस सब्जी का टेस्ट भी एनहांस होता है। तो 2 मिनट हो गया है, इसको हमने रोस्ट कर लिया, अब हम इसे बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे अमेजिंग रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सूखा मसाला ग्राइंड करके रेडी हो गया है, हम उसे एक प्लेट पर निकाल देंगे। सेम मिक्सर ग्राइंडर जार में हम गीले मसाले को भी ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 1 प्याज चॉप करके मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 2 टमाटर को हम ऐसे चॉप करके डाल देंगे। ये सारे मसालों को हम बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर कट हो गया है, हम इसे एकदम बारीक पेस्ट जैसा ग्राइंड करके ले लेंगे। अब हम 6 से 7 मीडियम साइज का प्याज लेंगे, उसे एकदम बारीक कट कर लेंगे। तो चॉपर के हेल्प से आप एकदम बारीक उसे चॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, उसमें हमने 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून राई ऐड कर देंगे। दोनों चटक जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज फ्राई करने के टाइम आप फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रख सकते हैं। जैसे ही हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे या स्वाद अनुसार नमक, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ों को डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो गीला मसाला हमने ग्राइंड करके लिया था वो इसमें डाल देंगे और उसे भी हम चलाते हुए पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो गया है, मसाला हल्का सा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें सूखा मसाला ऐड कर देंगे और उसे भी हम ये सारे मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। हम ये सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक इस तरीके से जमा ना होने लग जाए मसाला और थोड़ा ऑयल भी रिलीज करता है। उसके बाद हमने जो तोड़का का पल्प निकाला था, सीड्स निकाला था, वो इसमें डालेंगे और सारे मसालों के साथ उसे भी पकाएंगे। तो जो स्पैचुला आप यूज़ कर रहे हैं उसके हेल्प से सारा पल्प और सीड को स्मैश करते हुए पकाएंगे। बस 2-3 मिनट पकाना है और हमारा स्टफिंग रेडी है। स्टफिंग को हम एक प्लेट पर निकाल देंगे और इसे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जितना हमने तोड़का का पीसेस बनाया है वो सारे में अच्छे से फिल होना चाहिए, उस हिसाब से हम इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम ये सारा मसाला को तोड़का में फिल कर देंगे। आप स्पून के हेल्प से भी फिलिंग भर सकते हैं, हाथों से भी भर सकते हैं।
तो इस तरीके से ऐसे प्रेस करते हुए सारा फिलिंग भर देंगे। सेम तरीके से हम सारे तुड़का के पीसेस में स्टफिंग ऐड कर देंगे। सारे पीसेस में हमने स्टफिंग ऐड कर दिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर तवा पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद हम तुड़का के सारे पीसेस को उस पे एक के बाद एक रख देंगे और हम तुड़का को हर तरफ से पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के टाइम आप फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रख सकते हैं। इसे फ्राई करने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-7 मिनट में ये फ्राई होकर के भी रेडी हो जाता है। 4 से 5 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये फ्राई होकर रेडी हो गया है। हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। तुड़का हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, कई तरीके के वाइटमिन और न्यूट्रिशन इसमें होते हैं, तो इसे डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। और इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो खाने में भी मज़ा आता है। तुड़का फ्राई हो जाने के बाद एक पिंच इस पे नमक हम स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप इसे राइस दाल के साथ खा सकते हैं या इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। दोस्तों ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप यकीन मानिए आपने कभी इतना टेस्टी तुड़का का सब्जी नहीं खाई होगी। आप जिसे खिलाएंगे उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।